إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. या ولا बेरोमति का بالله वला العظيم आमीन الحمد لله आज आठ अगस्त दो हज़ार इक्कीस को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 87 सेवन की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होगी सूरत अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है कंक्लूड हो रही है और सबका उम्मत मुसलिम यानी यहूदियों और नसरानियों की जो गलतियाँ हैं उनकी जराइम की पूरी लिस्ट डिस्कस हो रही है और ये लिस्ट भी इस चीज़ का सबूत है कि जब तक किसी की गलती उस पर हाई ना की जाए उसके लिए इसलाह का कोई मामला हो नहीं सकता अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप सिर्फ पॉजिटिव पहलुओं को बयान करें ये बिल्कुल मुनाफिकत है इस्लाम में दोनों चीज़ें पैदल में हैं अमर बिलमआरूफ व नहीं अन मुनकर नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना बल्कि सूर अज़ारियात में अल्लाह ने फरमाया कि हमने हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा की है आप देखें नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना जिसे हम अरबी में कहते हैं अमर बिलमूफ़ व नहीं अन मुनकर यह भी जोड़ा है इल्म और अमल ये भी जोड़ा है सिर्फ इल्मी कोई चीज नहीं जब तक अमल ना करें और सिर्फ अमल ही करते रहें और किसी इल्म की बुनियाद पर ना हो वो भी घुमराई है दुनिया और आखिरत ये भी एक जोड़ा है तो हर चीज जोड़े की शक्ल में है इसलिए अल्लाह तारा ने नेगेटिव चीजों को भी हाईलाइट किया ताकि असलाह हो अब उन पर फर्द जुर्म आयद करते हुए एक और उनके जुर्म की तरफ जो है वो रहनुमाई की गई मुसलमानों की कि जब उम्मतें बिगड़ती हैं तो उनके अंदर क्या कुछ होता है सूरत की आयत नंबर 155। फाबीमा फाइव फाबिमा मीसा और यहूदियों पे जो फिटकार पड़ी वो बस बसब इसके कि उन्होंने अल्लाह से किया हुआ अपना अहद तोड़ दिया एहद क्या किया था हम तौरात को पकड़ेंगे तेरे अम्बिया की पैरवी करेंगे और ये सब कुछ इस उम्मत ने भी तोड़ा हुआ है वकुफ़्रीम भी आयात अल्लाह और अल्लाह की आयात का इनकार अल्लाह की आयात का इनकार यहूदियों का ये नहीं था कि वो तोरात को अल्लाह की किताब नहीं मानते थे उस पर अमल नहीं करते थे तो मुसलमान भी ज़रा अपने ऊपर नज़र दौड़ाएँ, अल्लाह की आयात का कुफ्र अमला तो वो भी कर रहे हैं मुनीबी नही व अकीबला वला तकून उमिनमशरक रुझू लाओ अल्लाह की तरफ और नमाज को कायम करो और मुशरकों में से ना हो जाना यानी नमाज छोड़ना मुशरकाना अमल है यह सूरत नंबर थर्टी वन है फिर सूरह सही मुस्लिम के अंदर टू फोर सिक्स है बंदे के कुफर और ईमान शिरक और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है तो ये जो अमलन कुफर है अल्लाह की आयात का वो मुसलमान भी कर रहे हैं वह अब और तुम्हारा कत्ल करना अल्लाह के नबियों को बग़ैर किसी वजह के ना हक कत्ल करना इस उम्मत में अम्बिया नहीं आए वरना यह काम भी इस उम्मत ने बड़े पैशन के साथ किया है जिस तरह अगली उम्मतों ने भी किया अम्बिया की औलाद कत्ल कर दी इस्लाम को कबर में गए बमश्किल पचास साल हुए हैं और आपका पूरा घर ज़बा कर दिया गया और फिर पूरी उम्मत में जब जब कभी कोई शख्स हक़ के लिए आवाज़ उठाता रहा उसको इन तमाम तकलीफ़ से गुजरना पड़ा इमाम नसाई कतल हुए इमाम उनीफा को जैर दे के कत्ल किया गया इमाम मालिक को तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी इमाम आम नंबल को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी तो ये अम्बिया के रिप्रजेंटेटिव थे दुनिया में चूँकि ख़त्म नवत हो चुकी है लिहाजा जो नबियों के साथ हमने करना था ना हमने नबियों के जानशीनों के साथ वही कुछ किया हजरत हज़रतर की एक नेचुरल डेथ हुई है हज़रत उमर भी शहीद हजरत उस्मान भी शहीद हज़रत अली भी शहीद चार हमारे जो खलफा है उनमें से तीन शहीद हुए हैं व़ाऊलिमूबुना गुल्फ और बसबब इसके ये कहते हैं कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हैं बड़े वो फ़खर से कहते थे सुरतुल्बकर में भी आया कि हमारे दिलों पर तो गिलाफ़ चढ़े हुए हैं एनभी तुम्हारी कोई बात हम पे असर नहीं कर सकती हम अपना फ़िरका अपना ग्रोह अपना अकैदा कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं तुम्हारे कहने पर यानी अपनी असलाह करने के लिए तैयार नहीं है तो ये आज भी इसी तीन है वो तो कहते हैं जी एक हज़ार आयात भी आप हमारे आगे से गुजार दें हम नहीं छोड़ेंगे पिछले दिनों लियास घुमन साहब की वीडियो काफी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाला वलीउल्ला बच्चा भी उससे बेहतर मदरसे में पढ़ने वाला गुनागार फासिक और फाजिर है और जाहिर है कि मदरसों में जो कुछ होता है वो आपको पता है उसको जस्टिफाई करने का एक तरीका ये भी है तो उन्होंने कहा मैं इसकी आपको रीजन देता हूँ कहते हैं रीजन ये है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे को आप बुखारी मुस्लिम से रफुल्दैन की हदीसें बताएंगे तो वह फ़ौर रफलीन शुरू कर देगा इतनी सादा रूह है वो हालांकि जन्नती रूह की निशानी है सब्यना वना और कहते हैं आप हमारे मदरसे का कोई ढीठ बच्चा ले जाए ढीठ मैंने ब्रैकेट में कहा उससे पूरा कुरान बुखारी मुस्लिम भी गुजार दें ये मैं उसकी एक्सप्लनेशन कर रहा हूँ वो रफलीदैन नहीं शुरू करेगा रफलीन का तो ना जिक्र किया उसमें बाकायदा ज़ाहिर दिमाग जो बंद कर दिए आप लोगों ने तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि हमने अपने मदरसों में ऐसे शाह के चूहे तैयार किए हैं कि आप जो मर्ज़ी करें वो बात नहीं मानेंगे खैर वो तो ये बात तो नहीं करेंगे वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे मदरसों के जो स्टूडेंट हैं उनको दलील ना भी पता हो उनको ये यकीन होता है अपने पर कि यकीन इस बात का कोई ना कोई जवाब होगा हमने ये बात नहीं माननी तो सर यही बात अगर दूसरे मसल के लोग भी सोच लें कि आप जो कुछ कह रहे हैं यकीन हमारे मसल के, के पास भी कोई ना कोई इसका जवाब होगा और इससे भी बढ़ कर अगर कादियानी भी ये सोच लें कि ख़तम नबूत पर जो आप दलाइल दे रहे हैं हमारे मुरबियों के पास भी कोई ना कुछ इसका जवाब मौजूद होगा लिहाजा हम इस बात को जो दिल को लग भी रही है दलाइल भी उसके ठीक हैं हम नहीं कबूल करेंगे तो फिर जनाब आप दावत का, का काम कर बैठे तो ये किस किस्म के जें दे रहे होते हैं फिर फ़ख्रिया बताते हैं वो तो ये यहूदियों वाली रविश है वो कहते थे हमारे दिलों पर गिलाफ़ है हम पे कोई बात असर नहीं करती जो मर्ज़ी करो तो अल्लाह ने इस पर वर्डिक दी है बल तो बी कुफ्रही बल्कि अल्लाह ने मोहर लगा दी है इनके कुफर करने के सबब यानी हक़ हाँ कबूल दिल ने कर लिया था लेकिन प्रैक्टिकली हक़ हाँ पर चलना मुश्किल है इनके दिल ने गवाही दी तो इन्होंने कुफर कर दिया हालाँकि दिल ने गवाही दी कि ये सच्चाई है तो इसके सबब अल्लाह ने इन पर मोहर लगा दी फ़ला यु मनून अला कलीला पस इन में से ईमान नहीं लाएँगे हाँ मगर कोई चंद एक कोई दाने निकल आए ऐसे कि जो बात कबूल करें ओवरऑल एज ए कम्यूनिटी इनके ऊपर ही है और यही मैं कहता हूँ कि फ़िरकों के जो लोग हैं अवाम और खूसा उनकेमा चंद एक बंदे को बात कबूल कर लेंगे अदरवाइज़ इन पर मोरें लगी हुई हैं ये जितना उन्होंने दिमाग लोगों के बंद कर दिए हुए मुश्किल है कि कोई बंदा बात कबूल करे और दूसरी तरफ अगर आप कुरान की तलीमत देखें सूरतफ़ुरुर्कान में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की जहाँ पे निशानियाँ गिनवाई हैं ना मसला नंबर मेरा वन टवेंटी उसके ऊपर रिकॉर्डेड है सूरतफ़ुर में अल्लाह के सही अलिया की बीस नशानियाँ उसमें अल्लाह ताला ने एक निशानी अहल ईमान की ये भी बयान की है काउ बिमिन शही तोमीनाज़ा जुक्की रूबी आयात रबिम ये वो लोग हैं कि जब इन्हें अल्लाह की आयात सुना कर नसीहत की जाती है लमयरू सुम तो वो अल्लाह की आयात पर अंधे होकर बहरे होकर नहीं गिर पड़ते यानी क़ुरान की आयात को भी अंधे बहरे होकर नहीं मानते तो मौलवियों के फ़तवे बुजुर्गों की बातें अकाबरीन की बातें उनको आप किस तरह अंधे और बहरे होकर मान सकते हैं कुरान की आयात को भी इस तरह नहीं मानना बल्कि तफक् करना कि बात क्या हो रही है बगैर ट्रिक टू नहीं पैना कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है इसमें बयान क्या किया गया वह भी कुफ्र हिम व कउलिहिम और बासब इनके कुफर के और इनके ये दावे के बल्कि बहतान के आला मरियमा बहतान अवीमा जो उन्होंने सैदा मरियम पर इल्ज़ाम लगाया नाउज बिल्ला बदकारी का हिम और इनका ये कहना इन्ना कतल मसीहना मरियम रसूल अल्लाह के बेशक हमने तो ईसा मसीह मरियम के बेटे को जो अल्लाह के रसूल थे कतल कर दिया है वमा कतलू और उन्हें कत्ल नहीं किया गया वमा सलाबू और ना ही उन्हें सूली चढ़ाया गया वाला हलहम बल्कि उनके लिए मामला मुश्तबे हो गया एम्बिगवस हो गया मुबहम हो गया यानी वो मारने वाले जो हैं उनके लिए मामला अल्लाह ताला ने मुबहम कर दिया और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला वो आगे चल के आएगा व माँ का तलूहू व माँ सलाबूहू वाला किन शुब व अनदीन अख तलफुफ़ी और बेशक जो लोग इस मामले में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं लफ़ी शक मिन वो शक में मुबला है मा लहम भी मिन इल्म उनके पास इसके बारे में कोई डेफ़िनेट इल नहीं है तिबाउन मगर ये कि वो अपने गुमान की पैरवी कर रहे हैं व माँ का तलूहु यकी न और यकी उन्हें कत्ल नहीं किया गया बर्रफ़ आई बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया वक़्यान आज़ीज़न हकीम और अल्लाह ताली गालिब है हकमत वाला है गालिब है बदला ले सकता था लेकिन उसकी हमत यह है कि उसने बजाय फ़ौर बदला लेने की हजरत ईसीब ने मरीम को ऊपर उठा लिया बजाय यहूदियों पर कोई अजाब एट द स्पॉट आता ऐसा नहीं हुआ बल्कि हज़रत मसीह इस्लाम को अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया और मामला मुशतब ये हो गया ये अब रवायतों में मिलता है वील बरनाबाश उसकी भी कोई ओथेंटिसिटी नहीं है ईसाई उनको वैसे नहीं मानते मुसलमान भी जो क्लेम कर रहे हैं वो भी कमज़ोर दलाल पर खड़े हयात मसीह और नजूल मसीह पर रिसेंटली कोई एक डेढ़ साल पहले मैंने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड की हैजरत ईसा इस्लाम के नज़ूल पर एक एक रेफरेंस लगा के जावेद अहमद गांधी साहब ने जो कुछ चीज़ें उठाई थी मैंने इलमी जवाब उसके दिए कुरने पाक से और एंड पे मैंने बाकी अवामनास के लिए हदीस भी बयान किए मुकदमा सारा कुरान से उसमें मैंने आयात कोट की थी ये वाली कि आमदी साहब जब भी कोट करते हैं तो वो इन्नी मुतवफ़ी का वाफ का इलहिया वो अल इमरान से जो है वो आयात कोट करते हैं ये आयात वो स्किप करते हैं जिसमें वाज है कि ना वो कत्ल किए गए ना सूली दिए गए फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है मामला मुशतबे हो गया फिर कहा कि यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए बल्कि वो बुलंद कर लिए गए अल्लाह की तरफ अब गांधी साहब ने एक दरमियान का रास्ता निकाला है। ना तो उनका मुनकरीन हदीस वाला मौक़ है जो कादियानियों का भी है कि हजरतीसम फौत हो गए और उनकी कब्र फला जगह पे है जवेद अहमद गांधी साहब कहते हैं कि अल्लाह ने वक्ती तौर पर उन्हें मौत दी फिर उनको जिसम के समेत ऊपर उठा लिया ताकि उनकी लाश की बेरूमती ना हो जबकि सईुल इस्नाद अदीस और कुरान भी इसको सपोर्ट कर रहा है कि अल्लाह ने उनको जिंदा ऊपर उठाया यहां होना चाहिए था ना वो कत्ल किए गए ना वो सूरी चढ़े बल्कि अल्लाह ने उन्हें मौत दी और उठा लिया मौत को अल्लाह ने स्किप कर लिया डायरेक्ट बात की है कि अपनी तरफ उठा लिया तो ये एक गैर मामूली वाक़ा था इसमें कोई इबहाम नहीं छोड़ना चाहिए था अल्लाह तला को अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज बयान कर दिया कोई इबहम इसमें नहीं है अल्लाह ने उनको उठाया है वाकई और अल्लाह ताला गालिब है हमत वाला है और अब साथ ही ज़िक्र आया इम मिन आहलिल किताब और अहल किताब में से कोई भी नहीं है अब ही कबल मोती कि वो ज़रूर ईमान ले आएगा उनकी मौत से पहले अब ये मऊती ही की ज़मीर बाद लोगों ने कहा कि अहल किताब मरने से पहले हजरत ईसा पर ईमान ले आएंगे यानि मौत के वक्त उन्हें पता चल जाएगा नज़ा के आलम में कि हजरत ईसा स्लाम अल्लाह के पेगा हैं, लेकिन ये कमज़ोर दलील है बाज़ कहते हैं मौत ही की ज़मीर हज़रत की तरफ है कि हज़रत ईसा की मौत से पहले पहले अहल किताब उन पर ईमान ले आएँगे यानी जब दोबारा दुनिया में आएंगे उस वक्त जितने अहले किताब हैं उन पर ईमान ले आएँगे यहाँ तक कि हज़रतम भी चालीस साल का अर्सा यहाँ गुजार कर उनको मौत आ जाएगी रोज़ा रसूल के में वो दफन हो गए इस्लाम के साथ इसमें कई एक अदीस हैं अलमुसर गिलिम के अंदर बुखारी मुस्लिम में कई एक अदीस हैं इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है हज़रत रैरा कहते हैं कि इस्लाम ने फ़रमाया अल्लाह की कसम ईसा एबन मरियम तुम में ज़रूर उतरेंगे खनज़ीर को क़त्ल कर देंगे सलीब को तोड़ देंगे जिजिया मौकूफ कर देंगे यानी सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे किसी गैर मुस्लिम से जिजिया नहीं लिया जाएगा और वह आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में नजूल करेंगे और तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी जबकि इमाम तुम में से होगा और ईसा इबन मरियम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे यानी इमाम महदी के पीछे और फिर अजरत हुरैरा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते वक्त कहते थे चाहो तो कुरान की ये आयत पढ़ के देख लो सुर न की आयत नंबर वन फिफ्टी नाइन व इमिन किताब और अहले किताब में से कोई भी नहीं बचेगा इल्ला मगर ये बिहि कबला मौती वो ईसा की मौत से पहले पहले उन पर ईमान ले आएगा यानी क्रिश्चन इस्लाम कबूल कर लेंगे रह गए यहूदी वो तो दाल के पीछे चल रहे होंगे सवाए जिनको अल्लाह हदायत दे दे बाकी डिटेल मैंने उस वीडियो में बयान किया वरना एक घंटा इस आये पर लग जाता वो यूम्यामत यकून आम शहीदा और क्यामत के दिन वह गवाह भी बनेंगे उनके ऊपर ये हज़रत ईसा के दुनिया में आने का जिक्र कुरान में भी मौजूद है में कि ईसा क्यामत की निशानी है क्यामत से पहले हज़रत हज़रतम दुनिया में आएंगे बिल्कुल वाजीना हाद और बसब ढाने के अल्लाह की शरीय को तोड़ने के यहूदियों के लिए हर रमना तो ये बात हमने बाज पकीज़ा चीज़ें भी उन पर हराम कर दी बसब शरीत की जो पाबंदियाँ थीं उनको तोड़ने के अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों की पाबंदी भी उन पर लगा दी जो कि उहिल्लत लहुम जो उनके लिए हलाल थी तो ही बात में से अबी सदिम और बसबब इसके किन सबीर कसिर के जो कसरत के साथ वह अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि यहूदियों पे जो फिटकार पड़ी है और ये हक को बोल नहीं कर रहे ये इनके अपने किए हुए करतूत इनके सामने आ रहे हैं व अखद हिमर और बस इसके कि ये सूद भी खाते थे व वद नहू आय जबकि इन्हें मना किया गया था सूद खाने से लेकिन उन्हें सूद लाल इस तरह कर लिया था वो कहते थे जेंटाइल से लेके खा लेंगे यहूदी यहूदी से नहीं लेके खाएगा अदर देन यहूदी जो है जिन्हें जिस तरह हम हैं उन जेंटाइल हमें कहते हैं उनसे हम लेके खा सकते हैं और वही मसला फिकानफी में भी है कि आप गैर मुस्लिम मुल्क में सूद खा सकते हैं मुसलमान मुल्क में नहीं खा सकते कहानी वही बनाई है इन्होंने हुईन जबकि उनको मना किया गया था इससे वह अकल नासबातिल और बस बसब इसके कि वो लोगों का माल ना हक तरीके से हड़प करते थे तो जहर उलमा यहूद का जिक्र है तो आप देख लें अल्लाह का गजब इस उम्मत पर भी इस हवाले से है इधर भी जो है वो ना तरीके से वामोनास का माल हड़प कर रहे हैं चाहे वो रुहबान हो, चाहे वो अहबार हो, यानी सूफिया का तबका होमा का तबका हो, तब हो कम सारे ने चुप के रखे हैं और ये जन्नत बांट रहे हैं अपने जोम में ये कुछ कर रहे हैं इनके साथ व आतदनाल काफीन अमिन हम आदाबन अली और ऐसे काफरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है अल्लाजरना मिनार आमीन अब जहाँ पर यहूदियों के इतने ज्यादा जराइम अल्लाह ने गिनवाए हैं वहां पर यह भी बताया कि सारे एक जैसे नहीं हैं अच्छे लोग भी मौजूद हैं ला के निर फिल इल्म मिन होम लेकिन जो इन्हीं में से इल्म में पुख्ता लोग हैं इश्क दे चले नहीं इल्म में जो पुख्ता है किताबी हैं इल्म को फॉलो करते हैं जज्बात को फॉलो नहीं करते वल वलमिन और बात मानते हैं ईमान लाना भी तो बात मान नहीं है ना यु मिनुन बीमा उन जिला इलेक वो ईमान लाते हैं उस पर जो ए नबी आपकी तरफ नाजिल हुआ व मा उन जिला मिनकबलिक और जो आपसे पहले वलमुकी मीन सलाह और वह सही सही नमाज भी अदा करते हैं नमाज को कायम करते हैं वलमतू न और अल्लाह की राम में जक़ात देते हैं अल्लाह की राम में खर्च करते हैं वल वलमिन अबिल्ला और ईमान लाते हैं अल्लाह पर वल वलयमिल आखिर और आखिरत पर यानी आखिरत पे वो ईमान लाते हैं मुराद ये कि उनका ये यकीन है कि हमें मर के अल्लाह को जवाब दे होना है उनका किबला इनमें से दुरुस्त है जो हैं ऐसे लेकिन बड़े थोड़े निकले वो उलाम अजर और ऐसे लोगों को अन हम बहुत बड़ा अजर देंगे अनकरीब से मुराद मरते ही उनको अजर मिलेगा जाहिर है कि मौत कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है अब एक और टॉपिक डिस्कस हो रहा है अम्बिया कराम और इमुसलाम के हवाले से कुर हकीम में मुख्तलिफ सूरतों में अम्बिया के नाम आए हैं इस पर अग से भी मेरी यूट्यूब पर एक वीडियो मौजूद है कि कुरान में कितने अम्बिया के नाम आए हैं पच्चीस अम्बिया का बाई नेम कुरान में जिक्र है उनमें सबसे बड़ा जो गुलदस्ता है अम्बिया के नामों का वो सूरतनाम में है अट्ठारह अम्बिया का जिक्र और अट्ठारह का बाई नेम जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वल अशरकू अगर ये भी शिरक करते तो अल्लाह तला इनके अमाल भी बर्बाद कर देता बफरज महाल उसके बाद एक और बड़ा गुलदस्ता जो है यहाँ पर आ रहा है सूरत की आय नंबर वन सिक्सटी थ्री से ऑनवर्ड बारह अम्बिया का बाई नेम जिक्र है और एक तीसरा गुलदस्ता है जो कि सूरय मरियम में आएगा वहां पर भी डिटेल के साथ अंबिया का जिक्र है सूरतिया में बाई नेम से आए हैं लेकिन एक जगह पर जो एक पैच के अंदर बिल्कुल करीब करीब नाम है वो ये बड़े मौाक़े हैं दो सूरत और सूरत में इन ना अवै ना इलाई का कमा अला नूह ए नबी बेशक हमने तुम्हारी तरफ वही की जैसा कि हमने वही की थी नूह की तरफ वन नबी ही नबिम्बादी और जितने अम्बिया उनके बाद आए व अवह ना अलाबरम और वही की हमने इब्राहीम की तरफ व इसमाईल और उनके बेटे इसमाइल की तरफ व इसहााक और इब्राहीम के दूसरे बेटे इसहााक़ की तरफ व याकूब और उनके बेटे यानी इब्राइम सलाम के पोते की तरफ़ वल असबात और उनकी औलाद की तरफ़ तो फिर ये बनी इसराइल उन्हीं से चली है ना याकूब का ही लकब है इसराइल तो उनकी औलाद में कई अम्बिया आए ईसा और उन्हीं औलाद में से एक हज़रत ईसा इबन मरियम व अूब और व वूनस और यूनुस सलाम व हारून और हारून व सुलेमान और सलमान व आतीना दाऊद जबूरा और हमने दाऊद्लाम को ज़बूर भी अता फरमाई थी व रसूलन कद कस ना हम आलाई कबिन कबल और वही भेजी उन रसूलों की तरफ भी जिनका हाल हमने ऑलरेडी एनबी आपसे क़रन में जो वही नाजिल हुई उसमें बयान कर दिया व रसूला लम नस हम और उन रसूलों की तरफ भी वही भेजी जिनका जिक्र हमने आपसे किया ही नहीं आलई का आप पर कोई उनके बारे में कोई तफसीत नाजिल नहीं फरमाई लेकिन ईमान हमने सब के ऊपर लेके आना है वक्म मूसा तकलीमा और मूसा से तो अल्लाह ने ऐसा कलाम किया जैसा कि कलाम करने का हक था अब देखें बनी इसराइल के पैगमरों की तारीफ़ हो रही है इसमें कॉमन टर्म के तौर पर अजरत दाऊद उनका ज़िक्र है कि उन्हें ज़बूर दी थी और मूसा का जिक्र उन्हें तोरा दी गई थी और उनसे अल्लाह ने कलाम किया बाकी अम्बिया भी हैं लेकिन स्पेसिफिकली इनका जिक्र बड़े शद्दोम के साथ आया इसके बाद अब आयत नंबर 165, सिक्सटी फाइव सूरत की अहम तरीन आयत और व मुबरीन ये रसूल ऐसे हैं जो खुशखबरी देने वाले हैं और डर सुनाने वाले अल्ला अल्लाह यकून अली हुज्जा, ताकि लोगों के पास क्यामत के दिन अल्लाह के खिलाफ कोई दलील ना रह जाए बहादुर रसूल रसूलों के आ जाने के बाद कोई क्यामत वाले दिन अल्लाह को यह गिला ना करे कि अल्लाह मेरे पास तो कोई पैगंबर नहीं आया था वरना मैं आपको मान लेता मैं आपकी बात मान लेता अल्लाह ने फरमाया अम्बिया भेज कर हमने ये बहाना ही खत्म कर दिया है कि क्यामत वाले दिन कोई अल्लाह की बारगाह में यह बहाना लगाए अंबिया के आ जाने के बाद वैसे अंबिया का आना नूरन अला नूर है अंबिया ना भी आते तब भी इस कायनात में इतनी निशानियां है कि इंसान को खुदा का तस्वुर कम अज़ कम आ जाता है लेकिन अम्बिया उसको पॉलिश करते हैं और ख़ुदा किस मर्ज़ी पर आपको अपनी मर्ज़ी पर जो चलाना चाहता है वो शरीय का तारफ उनके ज़रिए होता है तो अल्लाह तौर मै के ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले थे अहल ई ईमान को डराने वाले थे अल्लाह के नाफरमानों को ताकि लोगों के पास अल्लाह के खिलाफ कोई दलील बाकी ना रहे रसूलों के आ जाने के बाद वक़ान वकानल्ल अजीज़न हकीमा और अल्लाह ताला गालिब है हिकमत वाला है मुराद ये कि अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि उसने रसूलों का सिलसिला शुरू किया अल्लाह ताला रसूलों का मोहताज नहीं है वो तो गालिब है हर चीज़ पर छाया हुआ है उसकी मर्जी हर चीज़ पर चल रही है सवाए जिनों और इंसानों के और जिन उन इंसानों की भी वो चीज़ें जिसमें अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया हुआ है जिसमें इख्तियार नहीं दिया हुआ उसमें भी अल्लाह की मर्जी चल रही है हम अपनी मर्जी से अपने गुर्दे को काम करने से अपने दिल को धड़कने से रोक भी नहीं सकते हमारे लिए तो अपनी आंख को झपकना भी मुश्किल है और झपकती हुई को ज़्यादा देर तक के लिए रोकना भी मुश्किल है तो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तला ने कंट्रोल की हुई हैं लाकिन यशहदु अंजला यमाईक लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है इस किताब के ज़रिए जो आपकी तरफ नाजिल हुई बेमी वो अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है यानी अल्लाह तबारक ताला खुद गवाह है कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं अगर आपकी कोई बात ना भी माने बाकी पैगंबरों का सिलसिला तो अल्ला ने इसलिए शुरू किया ताकि लोग कोई बहाना ना बना सके और फिर इसका क्लाइमेक्स इस हवाले से सूर बनी इसराइल में आया कि वन ना मुआबी ना हता ना रसूला हम किसी कौम को उस वक्त तक अजाब भी नहीं देते जब तक कि उनमें रसूल ना भेज दें जो उन पर हजर तमाम करे और फिर वो रसूलों का जब इनकार करते हैं फिर अल्लाह का अजाब आता है अदरवाइज अल्लाह तजाब भी नहीं देता वलमला इकत यश और फरिश्ते भी गवाही देते हैं इस बात की आप अल्लाह के पैगम्बर हैं वह कफा बहीदा और अल्लाह की गवाही भी बतौर गवाह के तौर पर अल्लाह का कह देना भी काफी है काफरू। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया वह सद्दून सबी और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका बीदा वह लोग गुमराह हुए और गुमराही में दूर निकल गए इनदी नफ़रू वम बेशक व लोग जिन्होंने कुफर किया और जुल्म की रविश अख्तियार की जुल्म से मुराद वो बड़ा जुल्म भी है इन नशर का जुल्म अवीम और हर गुना भी जुल्म है लम यकन ला ली यग फिरुम अल्लाह ते कभी भी बख्शेगा नहीं वला लिय दिया हम तरीका और ना उन्हें कोई सीधा रास्ता सुझाएगा जो जान बूझ कर ऐसी रबिश पर उतरे हैं कि वह हकबात कबूल नहीं कर रहे तरी़ा जहन्नम हाँ मगर जहन्नम का रास्ता उनका इंतज़ार कर रहा है खालदी नफीहा अब वो रहेंगे उसमें हमेशा हमेश व का नजाल का सीरा और अल्लाह ताला पर ये बहुत आसान है किसी को जहन्नम में फेंक देना यानी अल्लाह ताला को कोई चीज़ रोक नहीं सकती अपने डिवाइन डिसीज़न से यहूदियों को जोम था हम तो पैगम्बरों की औलाद है हमारे अबाओ जदाद पैगम्बर हैं जिसने यहाँ भी लोग कहते हैं हम तो सैयद हैं हमारे बड़े बचा लेंगे बल्कि वो तो बाकियों को भी कह रहे हैं कि आपको भी हमने बचाना है तो अल्लाह तमाय कि नहीं ऐसा नहीं होगा अच्छा जी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलम के हवाले से दावत हक दी जा रही है याद जाम रसूल हक बेशक तुम्हारे पास अर रसूल वो खास रसूल जिनकी प्रडिक्शंस तुम्हारी किताबों में मौजूद थी वो आ गए हैं हक के साथ मबी कुम तुम्हारे रब की तरफ से और वह हक क्या है कुरान अबिलहक अन्ला बिल हक की नजल जो बनी इसराइल में आया कि ये कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया और ये हक के साथ उतरा यानी बा मकसद किताब है हक अरबी में कहते हैं पर्पजफुल को फ आमिनू खरकुम बस ईमान ले आओ इसी में तुम्हारी खैरियत है व इन तक फुरू और अगर तुम ना शुक्री करोगे अल्लाह का कुफर करोगे फिल्ला ही बा तो बेशक जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में वो सब अल्लाह ही का है अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हकीमा और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है हमत वाला है या अहलल किताब ए एाह किताब ला तगलूफ़ ही दीन कुम अपने दीन में गुलूफ मत करो एग्ज्रेशन ना करो वला तक अक और अल्लाह के बारे में कोई ऐसा अकीदा ना रखो सवाए उस अकीदे के जो हक पर मबनी है ये आयत है जिसके तहत मैं ये कहता हूँ कि जो आप हर बात को करामत कह के कबूल कर लेते हैं और अल्लाह पर उसे थोप देते हैं तो ये बहुत बड़ी बिदत है बात कुफ्र है यानी हम जब देबान से पूछते हैं कि आप क्या अशरफ अली थानवी साहब ने सलासा में लिखा कि कासम नो, नानोतवी साहब मरने के छः साल के बाद कब्र से निकल के फिजिकली ख्वाब में नहीं दौबान के दो उलमा की सुलह करा के दोबारा वापस चले गए वो कहते हैं जी अल्लाह चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता हम कहते हैं अल्लाह चाहे तो ब्रलवियों के बुजुर्ग क्यों नहीं ऐसा कर सकते आप कहीं क्यों करते हैं हम कहते हैं अल्लाह इस तरह की चीज़ें चाहेगा तो ये आपकी मर्जी से चाहेगा कुरान तो वाज कह रहा है सूर्य यासीन के अंदर सूरतुलवाक के अंदर कि जो मर गया वो दुनिया में वापस नहीं आ सकता हजरत ईसी इस्लाम ने भी जो मुर्दे जिंदा किए हैं वो वापस नहीं दुनिया में आए वो सिर्फ मुर्दे के पास खड़े होकर कहते थे कि उठ और मेरे नबी होने की गवाही दे तो इतने लोगों के सामने जब वो करते थे लोग इस मोरजे को मान लेते थे बाकी वो दोबारा मार जाता था ये नहीं था कि वो दोबारा से जिंदगी उसकी शुरू होगी नहीं जिसका टाइम पूरा हो गया कुरान में दर्जनों जगह यह बात आई है ना एक लम्हा ऐड होगा ना माइनस होगा यह अल्लाह के डिवाइन उसूल है इनमें कोई तब्दीली नहीं आती दुनिया में कोई नहीं आ सकता मरा हुआ शख्स हजरत ईसा जो दुनिया में आएंगे वो इसलिए कि वह अभी मरे नहीं है मरने के बाद कोई दुनिया में वापिस नहीं आ सकता यह जेहन में रखिएगा यह अल्लाह का उसूल है लिहाजा अल्लाह पर ही झूठ बांधना है कि अगर कोई कहता है कि मरने के बाद कोई कबर से निकल के बाहर आ गया अब वैसे क्या तक नहीं कोई आएगा मीडिया का दौर है ले आओ कह सब तो पहले नमाज तो सुननी दुआ कनूत भी नहीं जिरी असली दुआ कनूत है तो पता चल जाएगा हाँ कबर तो निकल के आया कि नहीं आया बुजुर्ग आया नहीं है पर यहां स्पेसिफिकली अल्लाह ने अहिल किताब को कहा खसूसन उनके उस शिर को एड्रेस किया जो अंबिया के ऊपर वो झूठ बांधते थे इन नमल मसीहन मरियम मसीह ईसा के बेटे मरियम वो तो नहीं है सवाए इसके कि वो रसूल है मरियम और रसूल ही व कली और अल्लाह के कलम खास हैं इला मरियम जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा रूह मिन और वो अल्लाह की रूह हैं अब ये बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म के कलमात हैं और सिफात हैं जो हजरत ईसीब ने मरीम के लिए हैं ये कोई छोटी चीज़ नहीं है इस पर मैंने अलग से एक मदरस में क्वेश्चन रिकॉर्ड करवाया है ईसा रूह अल्लाह क्योंकि क्रिश्चन्स जो हैं इन आयात को यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि वह अल्लाह का कलमा है और आप ये कहते हैं कि कलाम मतक्लम की सिफ होता है तो हज़रत ईसी जब अल्लाह का कलमा है तो अल्लाह की सिफ्त हुए और जब अल्लाह के सिफत हुए तो वो मखलूक नहीं है वो अल्लाह ही की सिफत है और इससे वो साबित करते हैं अब लॉजिकली बड़ी जबरदस्त रारकी वो बनाते हैं लेकिन इसको पूरा पड़े वह कलीमत अलका अला मरियम ये वो कलमा है जो मरियम पर अल्लाह ने एलका किया और इस कलमे से मुराद है अल्लाह त हुक्म कन वह सब हम कली हैं हम सब कौन फयकून से पैदा हुए हैं तो फिर हजरत ईसी को खास कलिमतल्ला इसलिए कहा गया कि हजरत इस्लाम की वलादत बगैर बाप के हुई वो ख़ास कलमा है कलमा सारे ही हैं हजरत आदम को भी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया इसीलिए सूर्य अलमायदा में आगे चल के आएगा कि अल्लाह के नज़दीक ईसी स्लाम जो है वो आदम की मिसल हैं अल्लाह ने उन्हें कन फ़ैकून करके पैदा कर लिया तो ये कहना कि अल्लाह के कलमा है तो अल्लाह की वह ये कलमा उन मानों में नहीं है कि वो अल्लाह की कोई सिफत है मुराद ये कि अल्लाह का जो कलमा है कि अल्लाह फरमाता है कन के हो जा तो वो हो जाता है तो हजरत ईसी इस्लाम बगैर बाप के पैदा हुए वो बाप वाला जो मिसिंग एलिमेंट था वो अल्लाह का कलमा है कन था माँ फिर भी थी तो अगर खुदाई मानना है तो हज़रत आदम को बड़ा खुदा मानो उनकी माँ भी कोई नहीं थी वो बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं लेकिन वो भी अल्लाह ने कहा कन फैकन अच्छा अब क्रिश्चियन हजरत ईसा को अल्लाह का क़लेमा मानते हैं हजरत आदम को नहीं मानते कहते आदम अल्लाह के बंदे हैं तो जिसकी माँ नहीं, बाप नहीं, दो कले कु से जो पैदा हुआ है वो तो बंदा है और जो एक कलम कुन से पैदा हुआ है वो अल्लाह का बेटा है अल्लाह की सिफत है इन लॉजिकल गुफ्तगु और दूसरी तरफ ये भी मानते हैं कि उन्हें सूली दे दिया गया और हमारे गुनाहों का कफारा बन गए भाई अल्लाह को तो मौत है ही नहीं है अल्लाह की सिफ्त को कैसे मौत आ सकती है ये उनको आप सोली पे दिए जाना मानना ही उनको मखलूक मानना है आपके नज़दीक भी साबित हो जाती है ये बात हमारे नजदीक तो उनको अल्टीमेटली मौत आएगी और वो अल्लाह की तरफ से रूह है रूह मिन अल्लाह की तरफ से रू है मिन का मतलब है फ्रॉम गॉड वो तो इंसान के लिए अल्लाह ने फरमाया व नफ तो फी ही मिर रू ही और जब मैं अपनी तरफ से ये वही मिर रू ही यहां भी रूह मिन है अपनी तरफ से रू हूंक दूं तो ऐ ऐफरिश्तो उस आदम के लिए सजदे में गिर पड़ना तो आदम तो अल्लाह के बंदे है। तो हैं तो हजरत ईसअल इस्लाम भी अगर रूह मिन है तो अल्लाह के बंदे हैं फ आमिन बिल्ला व रसुल पस इमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूलों पर वला तुल और मत कहा करो कि तीन खुदा है अकेला, अकेला मबूद से पाक है।, उलाद तो होती है बाप का नाम रोशन करने के लिए उस बाप का नाम रोशन करने के लिए जिस बाप ने मर जाना हो और जब बाप तुम खुदा को कह रहे हो तो उसको तो मौत ही नहीं, नहीं। उसे किस ऊलाद की जरूरत है सुबह न हो तो पाक है यकून लहू वलद के उसका कोई बेटा हो बेटे की तो जरूरत ही नहीं उसे अपनी नस्ल चलाने के लिए और नस्ल चलाने के लिए तो उसे जरूरत है जिसे मौत आनी हो जिसे मौत ही नहीं आनी उसने क्यों अपनी नस्ल आगे चलानी है लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द उसी के लिए है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में वकफा बिल्ला ही वकीला और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है मरियम कभी भी इस बात पर शर्मिंदा नहीं होंगे कि वो अल्लाह के बंदे हैं इनको फौरन टेंशन बन जाती है कि भाई अगर अल्लाह का बंदा कहा तो उनकी कुछ शान नीचे आ जाएगी जिस तरह हमारे लोगों को ये टेंशन हो जाती है अगर रसुल्ला को कह दिया ना इंसान तो यह तो बड़ी शर्मिंदगी है तो आपने उनका मरतबा कम कर दिया यहां अल्लाह कह रहा है अल्लाह के बंदे हैं यह तो कोई मौलवी के लवाने के लिए तैयार नहीं है आप किसी मौलवी का तारुफ करें करवाएं के जी अभी आपके सामने स्टेज पे आएंगे जो अल्लाह के बंदे हैं ओके हैं ये कि मेरा तारुफ कराया है बन्दे तो सारे ने मेरे नाल तो ला उलमा ठीक है जी और साथ लगा जनाब इमामुल मुफस्सिरीन ठीक है जी शेखुल कुरान व तफसीर ये जब तक नहीं लगाता ये अब्दुल्ला होना कहम है सारी अब्दुल्ला ने और अल्लाह तला तो का कह रहा है कि ईसा भी कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें कहा जाए कि वो अल्लाह के बंदे हैं तो अनुभ किन पै गई है कि तुम ईसा को अल्लाह का बेटा मनाओगे बनाओगे तो तब ईसा राजी होंगे ईसा कभी इस पर शर्मिंदा नहीं होंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए वललमलाई कातुल मुकर्रबून और कोई मुकर्रफ रिश्ता भी इसके ऊपर आर नहीं महसूस करेगा कि उसे कहा जाए अल्लाह का बंदा यानी जब्राइल को खुश करने के लिए कहना जरूरी नहीं कि फरिश्तों का सरदार उसे यह भी कहा जाए ना कि अल्लाह का पैदा किया हुआ एक बंदा है तो इस पर शर्मिंदा नहीं होगा वह फख्र महसूस करेगा यहां तो कितने टाइटल साल लगाते हैं वह मई यश की फाने इबादती और जो कोई हमारी बंदगी से शर्मिंदगी महसूस करेगा वह यश तकबिर और तकबर में आएगा फ़सा यः शुरुम इले ही जमी आ तो ये सब के सब तो अल्लाह के हज़ू ही जमा होने ना मौत तो सब को आनी है एंड पे तो फरिश्तों को भी मौत आनी है अल्लाह के हज़ू पेश होंगे फ़ अमल नदी तो पस जो ईमान लाए व आमिर हाथ और उन्होंने नेक अमाल किए फ़ यु वफ़ी हिम उजूर रूम तो उन्हें पूरा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा व यजीद हम मिन फी और अल्लाह अपने फ़जल से ज़्यादा भी दे, दे देगा अल्लाह यानी कोई अल्लाह तै तो अपने फ़जल में वसत वाला है वो जो कुछ किया होगा उससे भी बढ़ के दे देगा वो अमीन अस्तन कफू हाँ जिन्होंने दुनिया में अल्लाह का बंदा कहलवाने से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस की या अल्लाह की इबादत से तकबर किया बरू और तकबर किया फिबू महजाब नलीमा ऐसे लोगों को हम दर्द नाक अजाब देंगे जिक्र हुआ है ईसा का और जबराइल का और मिकाईल का और इस रफील का मकरबीन का अम्बिया का जिक्र करके कहा कि इनमें से भी अगर कोई इस बात के ऊपर शर्मिंदगी महसूस करे कि उसे अल्लाह का बंदा कहा जाए तो हम उसे दर्दनाक अजाब देंगे यह बफरज महाल है इमरान में तो यहां तक आया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह तला ने किसी को पैगम्बर बना के भेजा हो और वो लोगों से कहे कि लोगों अल्लाह को छोड़ के मेरी इबादत करो वो यही कहेगा कनू रब्बा दीन सब के सब रब वाले बन जाओ अल्लाह वाले बन जाओ यहां तो पैरल में गॉड बनाया हुआ था ना अंबिया को और दूसरी तरफ जो लोग तो बयान करते हैं वो अंबिया की तनकीस शुरू कर देते हैं तोहहीद की अपनी अहमियत है और अंबिया की इसमत इफ्फत की अपनी अहमियत है दरमियान में बड़ा बैलेंस करके इस मामले को चलना वला वला नसीरा। और ऐसा शख्स बिर क्यामत वाल अल्लाह के सिवा ना कोई अपना पुश्त पना हमायती पाएगा ना कोई मददगार या लोगो अतजाकुम बुरहानुम बेशक तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील तुम्हारे पास आ चुकी है कुरान और रसुल्ला की शक्ल में बुरहान व अनजल्लाई कुम नूरामबीना और तुम्हारी तरफ नाजिल किया है अल्लाह ने रोशन नूर यानी कुरान और नबीसलाम फम्लैन आम अनु बस जो कोई ईमान लाएंगे बिल्लाह अल्लाह पर वह अत समूह और मजबूती से पकड़ लेंगे उसे तो अल्लाह को तो कोई पकड़ नहीं सकता मुराद उसकी तालीमत को उसके पैगंबर को और कुरान को आज की डेट में कुरान को और सुन्नत को क्योंकि आए तो झूर भी नहीं पकड़ा जाए कि उनकी बात की जाए फसा युद्ध फी र मिन तो अल्लाह ताला अनक़रीब ऐसे लोगों को अपनी रहमत में दाखिल करेगा व फ़गल और अपने फ़जल में व यह दी हिम इलई और अल्लाह ताला उन्हें रास्ता सुझा देगा अपनी तरफ़ से रातम मुस्तकीबा सीधी रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई कर देगा

ज्यूज और क्रिश्चियंस के साथ यानी वो चीज़ें जो बकरा में आले इमरान से शुरू हुई उनकी कंक्लूजन सूरत और सूरतमाद है अगली सूरत में भी आएगी चीज़ें यानी yani, जो आखिरी दर्जे में समझाना था ना वो ये सूरतें थी कोई चीज़ अल्लाह ने छोड़ी नहीं है अब चूँकि अल्लाह का एक तरीका है सूरतों में कि जो मरकजी टॉपिक होता है जिसकी बुनियाद पर सूरत का नाम भी होता है एंड पे जाके वो मजमून दोबारा वापस आ जाता है तो ये सूरत थी औरतों के हकूक़ की बात थी और खसूस उसमें वरासत के कवानीन शुरू में आए थे कि औरतों को वरासत में हिस्सा देना है तो आप देखें आखिरी आयत अल्लाह ने किस तरह यहूदियों से खिताब होते हुए मेरे अतबार से तो यहीं पर सूरत ख़त्म हो जाती है अगर कोई इंसान होता है इस किताब का मुसनफ़ क्योंकि टॉपिक कंक्लूड हो रहा है फ़ौर वापस आ गई है इसलिए कि अल्लाह ताली का एक खुतबे का स्टाइल है कि बात जहाँ से शुरू हुई थी वापस लेके आऊँगा एक मसला कलाला का पूछा गया था यह आयत हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सूरत के दूसरे रुकू में जब मैंने वरासत के कवानीम बताए थे और दर्जनों अदीस मैंने एक एक करके डिस्प्ले करके वरासत कैलकुलेट करने का तरीका आप लिखें यूट्यूब पे वो क्लिप अलग से भी हमने अपलोड किया है उसमें यह आयत कवर थी इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ यस तफ्तूनक नबी आपसे फतवा ये पूछते हैं फिल कलाला तो तुम फरमाओ अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कलाला के बारे में सर ये जो खुश नसीबी है उसी के लिए है जो रसुल्ला के ज़माने में है कि सवाल तो हो रहा है नबी से और अल्लाह कह रहा है जवाब मैं दूंगा आज तो ये खुश नसीबी नहीं है आज सवाल होगा तो उल्मा, कुरान और सुन्नत के दायरे में जो वो सही समझते हैं वो आपके सामने रखेंगे अल्लाह तुम्हें कलाल की विरासत के बारे में फतवा देता है कलाला वो है यानी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है ना उसकी औलाद है और ना माँ बाप है बहन भाई हैं उस केस में क्या होगा इनम का लई सलाहु वलद अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसकी कोई औलाद ना हो वलहू उखन और सिर्फ उसकी एक बहन है वो छोड़ के है ना उसके मां बाप हैं ना ओलाद है फलाह निसफ मा तरक तो वो आधी जदाद की मालिक बन जाएगी अपने भाई की मरने के बाद बाकी आधी किधर जाएगी वो किसी एन जी ओ को भी जा सकती है वो किसी करीबी और मर्द रिश्तेदार को भी जा सकती है यानी उसके कज़न्स को वो तो सही बुहारी मौजूद है कि कौम का भतीजा और भांजा उसी कौम में शुमार किया जाएगा सबसे करीबी रिश्तेदार को दी जाएगी इन डिटेल्स मैं पहले बता चुका हूँ अब मैं टाइम करीब है मैं इसको सिर्फ कवर करूँगा वाह हुआ यरिस हुआ और अगर वो मर्द है वारिस ऐसी औरत का जो कलाला है यानी ना उसकी औलाद ना उसका खामंद और ना उसके माँ बाप अगर कोई औरत मर गई है तो फिर मर्द पूरे का पूरा अपनी बहन की जदाद का मालिक बन जाएगा मर्द के केस में क्योंकि सबसे करीबी रिश्तेदार तो मर्द वो जिंदा है ना अब तो कजन तक बात जाएगी नहीं वलद अगर उसकी औलाद नहीं है उस औरत की फ इनका नई नुम सुलूसानी मिम्मा तरक और अगर दो बहनें हों किसी मरने वाले की जिसकी ना औलाद है ना बीवी है ना मां बाप है तो दो तिहाई मिलेगा उसकी बहनों को एक तिहाई फिर करीबी किसी मर्द रिश्तेदार को मिल जाएगा दो तिहाई माल उन दो बहनों में तकसीम होगा वा इन वा और अगर मरने वाले की बहनें भी हैं और भाई भी हैं तो चाहे वो मर्द है चाहे औरत है फिर सारी जदाद ही उसके बहन भाइयों में तकसीम होगी किस रेशो से जो शुरू में बयान हुई है तो हर मर्द को औरत के मुकाबले में डबल हिस्सा मिलेगा यानी कोई औरत मरी और उसके बहन भी हैं और भाई भी हैं सिर्फ बहनें नहीं हैं सिर्फ भाई नहीं है बल्कि मिक्स हैं तो वो सारी जदाद उनमें तकसीम हो जाएगी एक दो की रेशो के साथ युबिलू अल्लाह ताला अपनी आयत खोल खोल कर बयान करता है कि कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ वाहु अलीम और अल्लाह हर शह को अपने इल्म से घेरे हुए है हर चीज से वो वाकिफ है अल्हम्दुलिल्लाह देहरी सुरह न साहब ही ख़त्म हो गई मुकम्मल हो गई जब शुरू हुई थी मैंने कहा था इसमें तो इतना कुछ है इतना कुछ है पता नहीं कब ख़त्म होगी अल्लाह का शुक्र है अभी तक जितना कुछ ये 87 क्लासेस में रिकॉर्ड हो चुका है 87 क्लासेस में मुश्किल हम छठे पारे में पहुंचे हैं लेकिन कोशिश ये है कि जो भी निटिक्रिटीज हैं वो साथ साथ कवर हो कोई चीज़ रह ना जाए किसी की तशनगी ना रहे कि ये बात किस पहराए में हो रही है और आज के दौर का कुरान उसे फेल फील हो रहा हो यह कोशिश होती है कि हर एंगल से चीज़ों को कवर किया जाए अल्लाह ताला से दुआएं जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में राशिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों ही से उसे धो डाले हमें मुआफ़ भी कर दे हमें किताब सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता तोफ़ी तरमाए व बिहमदिक أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا آمين